हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी। हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी को, हमने मतलब समझा, एग्जांपल देखे, फिर पूरी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करी। अब हमें सबसे पहले इसका दूसरा एस्पेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है ये समझेंगे, और फिर आपके साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर हम आपको इंट्रो भी देंगे साथ के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएंगे। तो हमारा एक ही पर्पस है बच्चों हमारी वीडियोस का, कम टाइम में ज्यादा समझाना। होपफुली वो आपको लगता भी हो। कोई भी दिक्कत आपको लगती हो तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा, हमें उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि ये डिफरेंसिएशन का यूज कहाँ होता है या डिफरेंसिएशन है क्या चीज, तो डियर देखिए, डिफरेंसिएशन आपको ये बताता है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज आता है। यानी आप ये कह सकते हैं डिफरेंसिएशन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पर लिखा हो जाता है, ज्यादातर आपको मिलेगा dy by dx। ये कोई नया शब्द नहीं है, आपने 11th क्लास में भी देखा होगा। क्या मतलब होता है इसका? अगर मान लीजिए dy by dx आपके पास 2 आता है, क्या मतलब है इसका कि अगर x की एक यूनिट बदलती है, इस डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंज। इसे हम डेल्टा सिंबल से भी शो कर सकते हैं, कई बार आप देखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी मिलेगा, सेम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर हम एक्स की एक यूनिट चेंज करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने वाई लिख दिया, तो वाई की कितनी यूनिट बदल जाती है, 2। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑल अबाउट। यूज कहां होता है? इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, साइंस में भी यूज होता है। मैम इकोनॉमिक्स में कहां यूज होता है? बहुत बार आप देखते हैं, बहुत बार क्या, आपने 11th क्लास में इको पढ़ी होगी, याद है कुछ ऐसा, dq by dp अगर 5 है, क्या मतलब है इसका कि अगर प्राइस में एक यूनिट का फर्क आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में 5 यूनिट का फर्क आएगा। मतलब अगर प्राइस एक रुपया इंक्रीज हो गया तो डिमांड जो है वो 5 यूनिट से कम हो जाएगी, या फिर अगर प्राइस एक रुपए से डिक्रीज हो गया तो डिमांड जो है वो 5 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं ना कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हमें खुद समझना है। इसने आपको क्या दिया कि कभी भी अगर आप प्राइस में एक यूनिट का चेंज करोगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, 5 यूनिट का। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑल अबाउट, दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए या ये जानने के लिए कि एक वेरिएबल में चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो आई होप क्या मतलब है वो समझ में आ गया। अब कुछ फॉर्मुलेज एंड डियर जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जानने जरूरी हैं, तो फटाफट से उन फॉर्मुलों को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या आप 11th क्लास में कर आए हैं बट रिवाइज कर लेते हैं, n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, y इक्वल टू e की पावर x, नाउ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। थर्ड वन, y इक्वल टू a की पावर x, ये भी आपके बहुत काम आएगा और प्लीज इसे याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं 12th क्लास में, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो a की पावर x log a, राइट। इसके अलावा एक मैं आपको याद जरूर दिलाना चाहूंगी, रूट x का डेरिवेटिव, वैसे तो ये x की पावर n से निकल जाता है बट अगर हमें काम कम करना है और फटाफट से करना है तो ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा, राइट। फिर फिफ्थ की बात करते हैं, हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर की आपके पास फॉर्मुलेज जो भी ट्रिक्स है वो भी आपको यूज करेंगे। चलिए, तो रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव हो गया 1/√x। अब ट्रिकों पर आ जाते हैं, चलिए एक बार लॉग भी देख लेते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ये भी बहुत यूज होता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/x। चलिए अब ट्रिगो देखते हैं, ट्रिगो में आपके पास है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, ये आप लोगों ने सब पढ़ रखे हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जितने भी सी वाले हैं उन सबका नेगेटिव। चलिए और देखते हैं, जितने भी सी वाले होंगे उनका डेरिवेटिव नेगेटिव, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव में होगा, क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉट एक्स। देन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, एंड लास्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स।
और जो भी चीजों के डेरिवेटिव आपके ऐड होंगे वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। फिलहाल आपने ये नोट कर लिए, ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके ये फॉर्मूले सारे नोट हैं, राइट। अब कुछ और कंसेप्ट हैं जो हमें इलेवंथ के रिवाइज करने जरूरी हैं। एक तो ये इलेवंथ के फॉर्मूले हो गए, मीनिंग हमें समझ में आ गया डिफरेंशिएबिलिटी का। दो वेरिएबल के बीच में चेंज बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। देन ये इलेवंथ के फॉर्मूले हो गए। थोड़ा सा कंसेप्ट भी हमें रिवाइज करना है। अगर आपको याद हो तो वहां पर तीन रूल आपने पढ़े थे। पहला रूल कौन सा था बच्चों? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है ये? मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उसके अंदर एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब ये आपके पास एलजेब्रा है, ये लोगारिथम है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाकर ही डेरिवेटिव लिया जा सकता है, अलग अलग नहीं। तो चलिए डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स या डीवाई बाई डी एक्स कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ओके हैं। चलिए क्या कहता है रूल? फर्स्ट का डेरिवेटिव ना एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? एन आगे आ गया, एक्स की पावर एक कम हो गई, है ना। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन आगे आ गया और जो भी पावर होती है उसमें एक कम, तो ये एन आगे आ गया, एक्स की पावर एक कम। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, अभी अभी बताया लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया आप लोगों को, देखिए वन अपॉन एक्स फिर सेकंड एज इट इज। तो ज्यादा से ज्यादा इसे कट करके सिंप्लीफाई करके हमारा डेरिवेटिव हो गया। ये हमारे पास कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल, राइट। चलिए सेकंड रूल कौन सा था? क्वोशेंट रूल, जिसमें क्या होता है कि यही दो चीजें अगर डिवाइड में आ जाए, यानी फंक्शन आपको दे रखा है उसमें दो फंक्शंस हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो एफ डैश एक्स और वाई भी लिख सकते हैं एफ एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात है। क्या होता है इसमें? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। एग्जांपल से समझते हैं। यही चीज मान लेते हैं आपके पास डिवीजन में है, यानी आपके पास फंक्शन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अभी हमने आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके दिखाया 2x log x as it is माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x एक्स स्क्वायर एज इट इज होल अपॉन log x का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट क्वेश्चन रूल, राइट। तो ये प्रोडक्ट रूल और ये हमारे पास क्वेश्चन रूल। जो थर्ड वन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप 12th क्लास की बात करेंगे, चेन रूल। ये चेन रूल क्या होता है? जब तक आपके पास क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं आ जाता तब तक आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये समझिए, अब आप देखिए सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको? साइन। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव है लेकिन साइन लॉग एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे जो हमें सबसे पहले पिक्चर में नजर आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। डेरिवेटिव लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। अब किस चीज ने एक्स की जगह ली थी? इस चीज ने। इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे, ठीक है, इसने। तो हम यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉस लॉग एक्स क्यूब। अब हम लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो हमें तो भाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है, एक्स क्यूब का तो नहीं आता, कोई बात नहीं, इसे लॉग एक्स मान लो और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। अब उस फॉर्मूले के हिसाब से एक्स की जगह किसने ली थी? एक्स क्यूब ने। तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लो। नाउ एक्स क्यूब अब ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसमें? एक्स की पावर एन में। अब और डेरिवेटिव लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आ गया वन अपॉन एक्स क्यूब और ये कितना आ गया 3x square. ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। मैम चेन रूल के और एग्जांपल चाहिए। एक्सरसाइज में यही है भाई, वही करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे फटाफट, एक बार ऊपर ऊपर से हमारा रिवाइज हो गया कि हमने 11th क्लास में क्या किया था। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज देखते हैं और समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए इसमें चेन रूल ही लगेगा और कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चेन रूल वाला है, क्यों? बिकॉज हमें आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव और यहाँ एक्स की जगह किसी और चीज ने ले ली, कोई बात नहीं। चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले इसे साइन एक्स मान लो,
है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। अब ध्यान से समझो, किस चीज ने एक्स की जगह ली थी, इसने, है ना, हमें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है मैम, एक्स की जगह किसने ले ली, इसने, तो हम क्या करेंगे इनटू में, चेन इसे कहते हैं, बार बार डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है जब तक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता। अब ये एज इट इज आपका चल ही रहा था, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर नॉर्मल है, फाइव भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू आगे आ गया, एक्स की पावर जो भी होती है कम हो जाती है, फाइव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। क्यों, आपको बताया है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो ये बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने पर दूसरे में कितना चेंज आया, जब ये है ही कॉन्स्टेंट तो किस बात का चेंज, ठीक है डियर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी चेन रूल पर है, तो अगर आप चेन रूल के एग्जांपल कह रहे थे मैम और कराइए, तो एक्सरसाइज में भी वही है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए, y का डेरिवेटिव dy by dx, सेम प्रॉब्लम, cos के आगे ये थीटा है इसका, क्योंकि cos के आगे x भी तो होना चाहिए था ना, उस x की जगह किसने ले ली, किसने, थोड़ी देर के लिए इसे cos x मान लो, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब किस चीज ने x की जगह ली थी, इसने, तो इसका डेरिवेटिव हमें दोबारा लेना पड़ेगा, ये एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, कॉस एक्स, तो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेम दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन यू नो आपके पास चेन रूल। चलिए, dy by dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, ये क्या दे दिया हमारे को, कोई बात नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स। अब एक्स की जगह किसने ली, इसने, तो हमें इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, नाउ दिस इज एज इट इज। अब देखिए, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कैसे निकाला, एक्स की पावर 1 आगे आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0, किसी की भी पावर 0 होती है क्या होता है, 1, तो x का डेरिवेटिव याद भी रख सकते हो 1 होता है, नाउ b का डेरिवेटिव 0, तो और फाइनल आंसर इज a, ये जो कांस्टेंट है आगे आ गया, cos ax plus b, कभी भी याद रखना थीटा को मत छेड़ना, कहीं उठा के कोई इससे इंटू कर दो, थीटा के साथ कुछ नहीं पॉसिबल है, ये सब चीजें नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 4, सेम चेन रूल, सीकेंट एक्स, एक्स की जगह इसने ले रखी है ना, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो वो देखेंगे हम लोग, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब बच्चों, किसने एक्स की जगह ली है, इसने, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है, चलो ये वाला तो एज इट इज उतार लेते हैं, सीकेंट टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। अब देखिए, टेन एक्स का डेरिवेटिव आता है, टेन रूट एक्स का नहीं आता हमारे को, कोई बात नहीं, एज्यूम कर लो कि ये टेन एक्स है, मान लिया। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब फिर से याद रखो, एक्स की जगह किसने ली, रूट एक्स ने, तो एक बार हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कब तक, अब नहीं लेना, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो सिखाया है ना फॉर्मूला लिस्ट में, तो जब आपके पास वो चीज आ जाए जो फॉर्मूला लिस्ट में है, वहां पे ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा ना कोई किसी की जगह ले रखा है, नहीं, तो ये एज इट इज आ गया, सीकेंट टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स। अब देखिए, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिस्ट में कराया, डायरेक्ट लिख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो एक बार सीकेंट का डेरिवेटिव लेना पड़ा, एक बार 10 का लेना पड़ा, मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, फिर 10 का डेरिवेटिव लेना पड़ा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का। सेम अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो एक बार जो आपको फर्स्ट नजर आ रहा है साइन का डेरिवेटिव, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, राइट। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और समझते हैं चेन रूल को भी और रूल को भी। अब यहां पर देखिए, दो चीजें लगेंगी, तो क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि दोनों चीजें फ्रैक्शन में आ गई, और साथ के साथ चेन रूल तो लगेगा क्योंकि साइन एक्स नहीं है, उसकी जगह कुछ और है, कॉस एक्स नहीं है, उसकी जगह कुछ और है। तो क्या था हमारा क्वेश्चन रूल, चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब ध्यान से देखो, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, मैंने आपको लेके दिखाया था साइन ए एक्स प्लस बी का, हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया था, ये देखो, है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर हम, तो साइन एक्स मान लो पहले इसको, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला देखो ना किसका है, फॉर्मूला सिर्फ साइन एक्स का, जो कि होता है कॉस एक्स,
तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से इस चीज ने एक्स की जगह ली थी, तो हमें इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, और लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। फिर क्वेश्चन रूल में क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया अभी तक मैंने, सेकंड एज इट इज, राइट, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। नाउ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन एक्स, राइट। क्या किया देखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये पूरा है, सेकंड एज इट इज, माइनस फॉर्मूले में ही लगता है, क्वेश्चन रूल में ही माइनस होता है, ये देखो यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन जिसमें मैंने सेकंड का डेरिवेटिव लिया वो भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। तो सेकंड का डेरिवेटिव सेम प्रॉब्लम, कॉस एक्स मानकर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया माइनस साइन एक्स, लेकिन इस चीज का हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, रिमेंबर दिस थिंग, होल स्क्वायर। चलिए डियर, तो अभी हमारा एक स्टेप रहता है अभी यहां पर, तो यह आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, बी का जीरो, तो यहां पर फाइनल आंसर आ गया ए, वो मैंने लिख दिया आगे, और यह आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस, सेम ये डेरिवेटिव लेना है, सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, सी एज इट इज एक्स का वन, डी का जीरो, तो वन इंटू सी इज वन, राइट। देखिए सी एक्स प्लस डी, सी का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है, सी एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, डी का यहाँ जीरो। बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे सी को जीरो क्यों नहीं लिखा, देखिए अगर किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में चल रहा हो, बच जाएगा भाई, वो उसको नहीं शहीद होना पड़ेगा, तो डी तो शहीद हो गया लेकिन सी बच गया क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल था। तो ऐसे केस में कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट अकेला चल रहा हो तब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, राइट। चलिए इसका आ गया सी, और ये हमारे पास था साइन सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस, ये जो होल स्क्वायर है इसे आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए छोड़ने को आप यहां छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, दिस अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस सी एक्स डी, कॉस सी एक्स डी से कट जाएगा और बाकी का रह जाएगा, सेम आप यहां पर भी आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। बट मेन काम हमारा क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना, वो हमारा हो गया, वो चीज आपको मेन सिखानी थी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सेम प्रोडक्ट रूल भी सिखाएगा और चेन रूल भी सिखाएगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये है कॉस थीटा अलग से और ये है साइन स्क्वायर थीटा अलग से, है ना, तो दो हो गए आपके पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और बीच में है मल्टीप्लाई, तो क्या लगेगा हमारा, प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव लो सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव लो फर्स्ट एज इट इज। तो चलिए हम भी करते हैं यहां पर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव ध्यान से समझना, दिस इज कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स क्यूब का, नहीं कोई बात नहीं, कॉस एक्स मान लो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, किस चीज ने एक्स की जगह ली, इसने, आपको इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया अभी, ये वाला स्टेप फर्स्ट का डेरिवेटिव, नाउ सेकंड एज इट इज प्लस, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो स्क्वायर है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है होल स्क्वायर, ये देखिए ये। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि पहले आपको ट्रिगोनी नजर आ रही, पहले आपको ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ध्यान से समझिएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो x की पावर n कितना लेना पड़ेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है और जो भी ऊपर पावर होती है उसमें कम हो जाता है, राइट। फिर हमने इसे क्या माना, x की पावर n और उसकी तरह डेरिवेटिव लिया, तो इसको हमने x माना ना, यानी इसने x की जगह लिया, तो हमें इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा। ये हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट करा है, सेकंड का डेरिवेटिव, नाउ फर्स्ट एज इट इज, दोबारा से देखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर क्योंकि एक्स की जगह इसने ली थी तो भाई इसका डेरिवेटिव तो लेंगे लेंगे, ठीक है ना, सेकंड एज इट इज। फिर सेकंड का डेरिवेटिव ये है एक्चुअली में ये, तो टू आगे आ गया और पावर एक कम हो गई, एक्स की पावर एन, इसने किसकी जगह ली, एक्स की, तो हम इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, क्लियर, और सेकंड सॉरी फर्स्ट एज इट इज। चलिए आगे चलते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर, इसको मैंने आगे लिख दिया,
ये हो गया साइन एक्स क्यूब, और ये क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस ये 2 साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब अभी भी प्रॉब्लम है, देखो साइन एक्स होना चाहिए था, साइन एक्स की पावर 5 है, कोई बात नहीं, साइन एक्स मान लो पहले, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर एक्स की जगह इसने लिया तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, चलो हम डायरेक्टली ले ही देते हैं, 5 आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी कम, दैट्स इट। और उसके बाद इनटू में साथ में क्या चल रहा था, कॉस एक्स क्यूब, काम आपका यहां खत्म हो गया बिकॉज आपने डेरिवेटिव लेने का काम जो था वो ऑलरेडी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हमारे फॉर्मूले की बड़ी मदद मिलेगी, जो हमने रूट वाला आपको बताया, सेम यहां पर आए dy by dx, 2 तो बाहर चल रहा है इसे एज इट इज रहने दो, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है रूट ना, तो जो सबसे पहले नजर आ रहा है उसी का डेरिवेटिव लोगे ना, कॉट थोड़ा नजर आ रहा है, x स्क्वायर थोड़ा नजर आ रहा है, पहले क्या नजर आ रहा है रूट, तो पहले रूट का डेरिवेटिव लो, फिर क्या नजर आएगा कॉट, फिर कॉट का डेरिवेटिव लेना, फिर क्या नजर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेना, खत्म बात। चलो रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव बताया था, 1/2 √x, तो वही करेंगे हम लोग, रूट एक्स मान लेते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 √x। अब ध्यान से सुनो, किस चीज ने एक्स की जगह ली, इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा, ये 2 से 2 कट गया। अब फिर भी प्रॉब्लम है, हमें कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है, यहां क्या चल रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब किस चीज ने एक्स की जगह ली, इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लो, अब तो नहीं आगे करना पड़ेगा ना बिकॉज एक्स स्क्वायर तो ठीक है एक्स स्क्वायर की जगह पर ही है, तो लास्ट स्टेप हमारा इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस आगे ले लेते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, dy by dx, सेम यहां पर भी, यहां पे चेन रूल लगेगा, क्यों लगेगा, cos x होता तो ठीक है ना, फॉर्मूले वाला स्टैंडर्ड होता, x की जगह कुछ और है, पहले किसका डेरिवेटिव लोगे cos का, फिर किसका डेरिवेटिव ले लेना रूट का, तो डायरेक्टली सिखाएं cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, फिर इसने x की जगह ली थी इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लो, खत्म बात, शॉर्टकट में, ठीक है, नहीं तो आप डेरिवेटिव के स्टेप्स भी दिखा सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़े से डिफरेंट है और इनको ध्यान से समझिएगा, वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हमें आने चाहिए। इसमें क्या है, जैसे कि आपने पहली एक्सरसाइज में ये देखा कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता, उसके लिए आप लिमिट एग्जिस्ट देख रहे थे, सेम ऐसे ही हमें चेक करना पड़ता है क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी क्या हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहां पर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है और शायद अभी तक आपने मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं देखा और 12th क्लास में भी नहीं देखोगे, ठीक है, आरडी वगैरह में कभी कभी मिल जाते हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कौन सी चीजें डिफरेंशिएबल है जिनका आप डेरिवेटिव ले पाए थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन, लॉग एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, सबके डेरिवेटिव हो रहे थे तो ये डिफरेंशिएबल थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट डिफरेंशिएबल नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना, मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं, तो यहां पर हमने ये सॉल्व करके रखा है डियर फटाफट से आपके लिए, इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला फिक्स है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमेशा हम यही इस्तेमाल करेंगे लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फिक्स फॉर्मूला है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में भी सेम है, सिर्फ यहां पे जीरो प्लस लिखेंगे, बाकी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ए क्या होगा आपके पास जिस पर आपने लिमिट चेक करनी है, दैट इज एक्स, सॉरी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, दैट इज ए, तो यहां पर किस पे चेक करनी है, 1 पर, हमने रख दिया इसको 1, दिस इज 1 प्लस एच, दिस इज 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस 1 और मैं आपसे कह रही हूं कि एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालो, क्या मतलब हुआ कि एक्स की जगह आप यहां 1 प्लस एच डाल दो, तो यही चीज हमने करी, और अगर मैंने आपको कहा एफ ऑफ 1 निकालो तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1, तो यही चीज हमने यहां पर करी है, देखिए ठीक है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू यहां पर, एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहां पर, अब ये कट गया आपके पास, मॉडुलस के अंदर एच रह गया और ये जीरो, तो ऊपर सिर्फ मॉडुलस एच रह गया और डिनोमिनेटर में एच है ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर चल रहा है एच जीरो के लेफ्ट में है, मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई है और मैं दोबारा भी ये बात बता रही हूं कि जो मॉडुलस होता है बच्चों, मॉडुलस के दो फेस होते हैं, मॉडुलस ना दो तरीके से नजर आता है, एक उसका नेगेटिव फेस होता है, एक उसका पॉजिटिव फेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जीरो के किस साइड हो,
अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड पर हो यानी नेगेटिव वैल्यूज है तो इसका नेगेटिव फेस होता है, और अगर आप जीरो के राइट साइड पर हो तो इस मॉडुलस का पॉजिटिव फेस होता है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो एच है वो जीरो के लेफ्ट में है यानी नेगेटिव वैल्यूज है, तो मॉडुलस का अपने आप ही फेस आ जाएगा वापस माइनस एच। नाउ ये इससे कट गया, माइनस वन आया और लिमिट कॉन्स्टेंट पे नहीं लगती, हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस वन। अभी हमें ऐसे ही क्या कैलकुलेट करनी है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखो मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया जीरो प्लस, इसका मतलब क्या होता है जीरो के राइट में। अब एक ही जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, वन है ना, एक ही जगह क्या पुट हो गया वन, जिसपे भी मैं चेक करना है। अब मैंने आप देखिए पहले ही निकाल रखा है फंक्शन ऑफ वन प्लस एच, यही तो है, सेम ही तो आएगा, और फंक्शन ऑफ वन भी सेम है, सेम कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये वन से वन कट गया, सेम मॉडुलस एच अपॉन एच बच गया, लेकिन अब यहां पर देखिए एच जीरो के राइट में है, यानी यहां मॉडुलस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एच, तो यहां पर हमने लिख दिया पॉजिटिव एच। नाउ ये इससे कट गया, आंसर आ गया वन। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया था माइनस वन, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया वन, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए फटाफट से 10th क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए डियर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो वो हम आपको साथ साथ समझाएंगे। इसमें भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, दो पॉइंट पे चेक करनी है बच्चों, एक पे हम करके दिखाएंगे, एक पर आप डेफिनेटली खुद से ट्राई करेंगे प्लीज, ठीक है। चलिए अब आपके पास यहां पर क्या आएगा, लिमिट फॉर्मूला तो फिक्स है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। नाउ व्हाट इज ए हियर, अगर हम वन पे चेक कर रहे हैं तो ए की वैल्यू हो गई वन, राइट। चलिए अगला स्टेप होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास फंक्शन क्या है, मॉडुलस एक्स, हमसे क्या कह रहा है f ऑफ 1 प्लस एच निकालो, तो हम इसको 1 प्लस एच को यहां रख देंगे, और एक बार हमें कह रहा है f ऑफ 1 निकालो तो हम यहां 1 पुट कर देंगे। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, राइट। अब आप देखिए f ऑफ 1 प्लस एच ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और अगर मैं इसमें 1 रखूं इंटीजर के अंदर, अगर मैं 1 रखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो वो क्या आंसर बाहर निकाल देता है 1 अपॉन में h। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, देखिए 1 प्लस एच यहां पर उसने बोला h 0 के लेफ्ट में है, अगर h 0 के लेफ्ट में है यानी कुछ भी नेगेटिव वैल्यू होगी यानी माइनस 0.00 समथिंग, राइट। अब मैं अगर यहां h को माइनस 0.01 रख दूं, अगर मैं यहां h को माइनस 0.01 रख दूं, ध्यान से समझिएगा दोबारा से, h 0 के लेफ्ट में है ना, और हमें क्या करना है 1 प्लस h, तो H नेगेटिव ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि यहां पर उसने बता रखा है H लेफ्ट में है, तो यहां पर मैंने ले लिया H, बहुत नजदीक लेना है ना जीरो के, जीरो का लेफ्ट क्या हो गया माइनस 0.01, ये कितना आ जाएगा आपका 0.99। अब ये जो 0.99 है ये जीरो और वन के बीच में है ना, 0.99 किसके बीच में आता है, जीरो और वन के बीच में। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या करता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही काम है कि नाम जरूर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट ये क्या करता है आपके पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो ले लेता है। तो अब बताइए इन दोनों में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, जीरो। तो जब आपने यहां पर h कुछ भी रखा होगा माइनस 0.01 या जो भी रखा होगा आपने, उसका रिजल्ट ये आ गया होगा या फिर ये आ गया होगा 0.999। अब इसकी वजह से आपका जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट आंसर देता है इंटीजर वो जीरो देगा, ठीक है। नाउ आपके पास क्या आ गया पर 0 माइनस 1 अपॉन h। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, ठीक है। अब यहां पर अगर हम h को 0 पुट कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, यस और नो, क्लियर है मेरी बात। अगर आप बात करें इन्फिनिटी की तो जनरली यही एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी को नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट कॉन्टिन्यूस कहने के लिए। तो फिलहाल हम फिर भी आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना। दोबारा समझने की कोशिश करो, देखो इंटीजर था, हमने h को पुट करना है, लेकिन h यहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये लिमिट से थोड़ा सा अलग है। लिमिट में ये पॉजिटिव ही होता था 0.01 जो भी है, लेकिन यहां पे h क्या है, जीरो का लेफ्ट, खुद बता रखा है उसने जीरो का लेफ्ट यानी नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर h नेगेटिव वैल्यू होगी तो वन को छोटा कर देगी। अब वन से बहुत दूर नहीं चले जाओगे आप, वन प्लस एच है तो वन के पास ही रहोगे 0.99। अब ये वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या, लोएस्ट वैल्यू निकालता है। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव भी समझते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का राइट, यही सेम फॉर्मूला,
सबसे अच्छी बात, डिफरेंट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस ही चलाते रहना है, पहले से ही एच आ गया हमारे पास, वन प्लस एच सेम सेम। अब सेम ये वाली चीज भी सेम, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी तीन स्टेप तो सेम ही आ जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। लिमिट में तो बदल जाता था ना, इसमें नहीं, यहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए ये f ऑफ वन हमने निकाला था, मतलब फंक्शन हमारे पास क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें अगर आप इंटीजर डालोगे तो इंटीजर बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेसिमल डालोगे तो लोएस्ट इंटीजर बाहर आएगा। अब ध्यान से देखना, वन प्लस एच यानी हमें यहां पर एच कुछ प्लस करना है। अब उसने बोला एच जो है वो जीरो के राइट में है, अब जीरो का राइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी मैं इसमें कुछ प्लस करूंगी 0.01। अब मैंने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल रखा है, अब आप बताओ ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, वन और टू के बीच में लाई करती है। ये क्या पिक करेगा, लोएस्ट वैल्यू, यानी यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो वन आ जाएगा। नाउ वन माइनस वन अपॉन एच, एच को तो आप जीरो बाद में रखोगे, पहले ही ऊपर आंसर जीरो हो गया, तो जब पहले ही ऊपर आंसर जीरो हो गया तो बाद में एच पुट होता है ना, तो पहले ही आंसर जीरो आ गया आपके पास। इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयर बाय दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। टू पे भी इसी तरीके से चेक करिएगा बच्चों, टू पे भी ये नॉट डिफरेंशिएबल ही आएगा, बिकॉज स्टैंडर्डली जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है। तो आई होप डियर कम टाइम में, ज्यादा समझाने वाला जो हमारा पर्पस है वो अकम्प्लिश हो रहा है। आधे घंटे में हमने आपको इंट्रोडक्शन भी समझाया और पूरी एक्सरसाइज भी करी, रादर देन दो दो तीन तीन क्वेश्चंस के लिए अलग अलग स्प्लिट कर, बिकॉज हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर आप आधे घंटे के लिए आए हैं तो आधे घंटे में बहुत कुछ अचीव करके जाए। फिर भी हो सकता है कि हमारी वीडियोस में कुछ कमी हो, अगर कमी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दूर कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।